मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। पिछली बार हमने उपनिषद के संबंध में आप लोगों को एक सामान्य ज्ञान प्रदान किया था। उपनिषद क्या है, वेद क्या है, ज्ञान योग क्या है, राजयोग से वह भिन्न कैसे है, इस संबंध में हमने थोड़ी सी बात आपको बताई। और इच्छा होते हुए भी हम पिछली बार जो ये शांति मंत्र आज मैंने अभी पाठ किया उसकी व्याख्या हम नहीं कर सके, तो आज अब हम इस शांति मंत्र की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यह जो हमने पाठ किया, ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। और तीन शांति। ये ओम क्या है? ओम परमात्मा का, ब्रह्म का वाचक है, इंडिकेटर है, नाम है, परम पवित्र अक्षर है। यह तो ओम का एक अर्थ हुआ। ओम का दूसरा महत्व यह है कि ओम और अथ शब्द, अथ योगानुशासनम, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ भक्ति व्याख्याम, ये जो अथ शब्द कभी कभी हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, यह ओम और अथ कहते हैं कि ये दो शब्द ब्रह्मा के मुख से अनायास निकल पड़े थे और इसलिए इन्हें मांगलिक कहा जाता है, अत्यंत मंगल कहा जाता है। और इसलिए जो कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है उसके पहले ओम और अथ का उच्चारण करते हैं। हम लोग कुछ काम प्रारंभ करना हो तो ओम का उच्चारण करते हैं, ओम बातचीत में करता है, ओम प्रणाम करते हैं, ओम ये मांगलिक। तो यह शांति मंत्र के पहले ओम का उच्चारण। उसके बाद क्या कहा है कि पूर्णम अदह। अदह यानी क्या? वह। वह क्या? कोई दूर की वस्तु। हम जब कहते हैं ना वह, और यह पास वाली वस्तु, जो वस्तु परोक्ष है, जो दूर है, हम उसको देख नहीं सकते या देख भी सकते हैं तो हमारे निकट नहीं है, उसको कहते हैं अदह, वह। यहां पर इसका अर्थ है परोक्ष कारण ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म, जो ब्रह्म निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापी है, हमसे दूर है, जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है, जो जगत का कारण है, वह ब्रह्म वह पूर्ण है। उसके आगे क्या कहा? पूर्णम इदम, यह भी पूर्ण है। यह पास की वस्तु भी पूर्ण, तो टेबल से बात नहीं। यह जो जगत है जिसको हम जानते हैं, देखते हैं, यह जो हमके निकट है, वह वस्तु भी पूर्ण है। तो जो ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म है, जो कारण ब्रह्म है, उससे इस कार्य ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है, यह भी पूर्ण। पूर्ण से पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण उद्भूत होता है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है। ठीक है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है। पिता का पुत्र जो है वह भी पुरुष,
इस प्रकार से ले लीजिए, किसी भी प्रकार से, कई प्रकार से उसको समझने का हम समझने का प्रयत्न करेंगे। यह मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, सारे उपनिषद का सार है, समस्त वेदांत का सार है। क्यों होंगे हम बताएंगे। तो जो कारण ब्रह्म है, जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है, दोनों पूर्ण है, और पूर्ण से जब पूर्ण निकलता है, उत्पन्न होता है, तो जो बचता है वह भी पूर्ण है। ये बड़े मजेदार बात। अच्छा, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो शून्य बचेगा। जितनी वस्तु है, 100 रुपया है, 100 रुपये में से 100 रुपये निकाल दो तो क्या बचेगा, शून्य बचेगा? ऐसा नहीं, पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्ण बचेगा। फिर कहते हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय, क्या प्रलय काल या ज्ञान काल में पूर्ण यानी कार्य ब्रह्म से पूर्णत्व को आदाय ग्रहण करके पूर्ण निरुपाधि ब्रह्म ही अवशिष्यते, इस प्रकार से व्याख्या की है। एक अवस्था ऐसी आती है जब यह जगत है, यह पूर्ण है, जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब क्या होता है, यह जगत गायब हो जाता है। यह जगत गायब हो जाता है, क्या बचता है, पूर्ण ही बचता है। या प्रलय हुआ, यह सारा जगत विलीन हो गया, क्या बचेगा, पूर्ण बचेगा। अच्छा, अब इस पर थोड़ा सा विचार कर, मैं आसान करके बताऊंगा। जब हम कहते हैं कि वह पूर्ण है और यह पूर्ण है, तो दो बातें हो गई, यह और वह, कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म, दो बातें हो गई। जब दो हो गई तो पूर्ण कैसे हो सकता है, समझे आप मेरी बात। वह आधी हो गई, पूर्ण होना तो फिर एक ही होना चाहिए, एक ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर दूसरा होगा तो वो अपूर्ण हो जाए। तो अद्वैत वेदांत कहता है कि अरे ये तो समझाने के लिए कहा गया है, केवल एक ही वस्तु, यह और वह जैसी कोई चीज है नहीं, ये तो बताने के लिए कहा। अच्छा, मैथमेटिक्स की दृष्टि से, गणित के दृष्टि से इसको समझना और आसान। गणित में कहते हैं इन्फिनिटी, अनंत, एक बनाते हैं ना ऐसा, एक इन्फिनिटी का मार्ग बनाते हैं, इन्फिनिटी अनंत। तो इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ो तो क्या होगा, अनंत में अनंत जोड़ो तो अनंत ही होगा, अनंत में से अनंत घटाओ तो अनंत होगा, अनंत में अनंत का गुणा करो तो अनंत होगा, अनंत में अनंत का भाग करो तो अनंत, अनंत है वो अनंत ही रहेगा। यही बात यहां पर कहने का प्रयत्न किया, ये कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म ये तो मिथ्या है। हम अपनी सीमित दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमको लगता है कि वह ब्रह्म कैसा है, वो अनंत। जब हम सोचने का प्रयत्न करते हैं तो अनंत को हम नहीं मार पकड़ सकते। जिसको आपने मन और वाणी से ग्रहण कर लिया वो अनंत नहीं रह सकता, शांत हो गया, सीमित हो गया, मन और वाणी से सीमित। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म को मुंह से बोला नहीं जा सकता, सभी वस्तुएं झूठी हो गई है क्योंकि वो ब्रह्म से बोली गई है, लेकिन ब्रह्म का वर्णन कोई नहीं कर सका, ये वो झूठा नहीं है। फिर भी वर्णन करते हैं, क्यों, किसी न किसी प्रकार से समझाने का प्रयत्न, विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयत्न। इस प्रकार से समझाना, जो समझाना युक्तिसंगत नहीं है, अयौक्तिक, फिर भी समझाने का प्रयत्न, क्योंकि वह पूर्ण और यह पूर्ण तो हो ही नहीं सकता, फिर भी कहते। अच्छा, इसको भक्ति की दृष्टि से देखें तो संभवतः थोड़ा हम समझ सकें। श्री रामकृष्ण क्या कहते थे,
श्री रामकृष्ण कहते थे कि जो नित्य है वह भी सत्य है और जो लीला है वह भी सत्य है। भगवान नित्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है और ये जगत उनकी लीला है। उसने नाम रूप ले स्वीकार करके यह जगत बना है। दोनों सत्य इस दृष्टि से ले लीजिए। जो पूर्ण मदह वह जो है वह नित्य है। पूर्णम इदम यह जो है वह भी ये लीला है। तो नित्य भी परमात्मा जो नित्य है वह भी सत्य है, वह भी पूर्ण है और यह लीला भी होगी। तो इस प्रकार से इसे हम समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसमें इसका अर्थ एक यह भी हुआ कि जो ब्रह्म है उसमें अपूर्णता कैसे हो सकती है, या हमारे जीवन में संसार में जो भी सीमित वस्तुएं हैं वो सीमाएं किस प्रकार से पैदा होती हैं। वो होती हैं पहले देश के द्वारा, काल के द्वारा, वस्तु के द्वारा। यह टेबल एक स्थान में सीमित हो गई है, हम लोग सब एक स्थान में सीमित हैं। यह देश की सीमा, हमारा देश भी उसकी सीमाएं हैं। ये जो पृथ्वी है उसकी सीमाएं हैं, ये सोलर सिस्टम है उसकी सीमाएं हैं, ये देश की सीमा। फिर काल की सीमा, हम कुछ वर्षों तक जिएंगे उसके बाद नहीं जिएंगे। ये सोलर सिस्टम, ये सौर्यमंडल, यह भी कुछ अरबों करोड़ों खरबों वर्षों तक रहेगा उसके बाद समाप्त हो जाएगा। ये देश की सीमा, काल की सीमा। तीसरा वस्तु की सीमा, एक वस्तु है दूसरी भी है, एक सोलर सिस्टम है दूसरी सोलर सिस्टम है, दूसरे ग्रह नक्षत्र है। तो ये देश काल की सीमा, इससे अपूर्णता होती है, पूर्ण नहीं, वो उसको सीमित करते हैं। ये अब इसलिए हमारी अपूर्णता जो है तो हम कल्पना करने का प्रयत्न करते हैं कि क्या कोई ऐसी वस्तु होगी जो पूर्ण होगी। और फिर हमने कहा पूर्ण मदह, हाँ वो ब्रह्म है जिसमें देश काल और वस्तु की कोई सीमा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह तो देश काल और सीमा का आधार है, देश काल वस्तु का आधार है, बेसिस है, सबस्ट्रेटम है, उसके ऊपर सारी वस्तुएं। इसका श्रेष्ठतम दृष्टांत आप आकाश को ले लीजिए। आकाश सर्वत्र है, लेकिन आकाश में भी हम देखते हैं कि इस हॉल का जो आकाश है वो सीमित हो गया, बाहर का आकाश असीम हो गया। इसलिए ब्रह्म को या जो वह है परमात्मा, उसकी असीमता पूर्णता को समझाने के लिए ही इस प्रकार की बात कही। इसको हम और भी समझने का प्रयत्न करते हैं। वेदांत ने क्या कहा, यह जो जगत दिखाई देता है ये तो मिथ्या है। जैसे कहेंगे वो जो रस जो सांप है वह भी पूर्ण है, उसमें जो रस्सी उत्पन्न हुई हमने भ्रम से देखा, एक रस्सी दिखी, रस्सी पड़ी हुई थी, हमको वो सांप दिखी। तो रस्सी एक सांप एक लंबाई का था, उसी लंबाई का हमें एक रस्सी, रस्सी एक लंबाई की थी उसी लंबाई का हमें एक सांप दिखाई दिया। तो हम कहेंगे कि वो
जितनी लंबाई का सा रस्सी है उतनी लंबाई का सांप, हमने देखा तब सांप दिखाई। तो सांप पूर्ण है, रस्सी पूर्ण है तो सांप दिखाई। अरे भाई है तो मिथ्या, एक रस्सी मात्र है, लेकिन जब रस्सी में से सर्प उत्पन्न हुआ तो वो भी पूर्ण। वेदांत यही कहता है कि रस्सी में से सांप मिथ्या के कारण, हमारे भ्रम के कारण उत्पन्न होता है, और जब वो विलीन हो जाता है तब क्या बचता है, कोई बचता एक ही बचता। अब इस पूर्णता को और उसके बाद में जो दूसरा मंत्र है उसी के साथ में आ जाएगा, हम उसी में इस बात को देखने का प्रयत्न करेंगे। तो तात्पर्य यह है कि यह जो ब्रह्म है उससे जगत की उत्पत्ति जो होती है एक तंत्र स्तर से होती है, कारण ब्रह्म है उससे कार्य ब्रह्म विराट हुआ, उससे फिर और भी ईश्वर आया, उससे जगत की सृष्टि हुई, ये सब के सब इन्फिनिट अनंत है, और एक को निकालने पर, ब्रह्म को निकालने पर भी ब्रह्म ही बचेगा, विराट को उनसे निकालने पर ब्रह्म ही बचेगा, वह उसी से उत्पन्न हुआ है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सभी भगवान की लीला है। जो ज्ञानी है वह हमेशा इसका चिंतन करता है, उद्देश्य क्या है ये विचार के द्वारा इस बात को मन में बिठाना और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना, ये सीमित वस्तुओं को नहीं देखना, उसके पीछे जो असीम सत्ता है उसको सदा मन में बनाए रखने का प्रयत्न करना, ये बात है, खास बात यह है कि हम जो कुछ देखते हैं, वैरायटी देखते हैं, विभिन्नता विविधता देखते हैं, उस विविधता के पीछे जो एक सत्ता है जो सदा सदा विद्यमान है उसी को बार बार अपने मन में लाने का उठाने का प्रयत्न करें। दिस इज इट मेन थिंग। अब उसके बाद हम पहले मंत्र पर आते हैं। किताब किसके पास है, कितने लोगों के पास में है, गुड, और कोई लाए नहीं लाए, हाँ ये हिंदी किताब तो है, बांग्ला नहीं है, टॉल में नहीं है बंगाली, ये तो है मेरे ख्याल से, नहीं रंग अपने गंभीरानंद जी का इंग्लिश ट्रांसलेशन और इससे, ओम ईशावास्य निरम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत त्येन त्यक्तेन भुंजीता मा गृह कस्य सिद्धः। अत्यंत सुंदर ब्यूटिफुल श्लोक है। ओम ईशा वास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृह कस्यचित् धनम्। क्या अर्थ है, जगत्याम इस विश्व ब्रह्मांड में यत्किंच जो कुछ भी जगत, जगत यानी परिवर्तनशील है, इदम सर्वम उस सबको ईशा ईश्वर यानी परमात्मा के द्वारा वास्यम आच्छादन कर देना चाहिए। ये एक वाक्य हुआ। फिर कहते हैं तेन, यह जो आच्छादन होगा उससे, तेन त्यक्तेन इस त्याग से, त्यक्तेन इस त्याग के द्वारा, यह आच्छादन ही मानो त्याग होगा, इस आच्छादन के द्वारा
भुंजी था। पालन पोषण करना चाहिए। कस्यचित्, किसका, किसी के भी धनम, कस्यचित् धनम मा गृधा, किसी का लोभ न करो, धन का लोभ न करो। यह जो सारा जगत है यह परमात्मा के द्वारा आच्छादित करो, या यह परमात्मा के द्वारा आच्छादित है। दूसरा एक अर्थ होता है ईशा आवास्यम, अगर इसको आप जोड़ देंगे ईशावास्यम, ईशा शब्द के साथ में अगर आप वास्यम को अलग कर देते हैं तो आच्छादित करना हो गया। ईशा वास्य एक साथ मिला दिया तो आप विभेद से उसको जब सभी विच्छेद करेंगे तो ईशा आवास्यम, यानी क्या है, ये जगत ईश्वर का आवास है, निवास है। जगत ब्रह्म जो है ईश्वर जगत में रहता है। इदम सर्वम, यह जगत जो है वह सारा का सारा ईशा ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी है परिवर्तनशील, सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित कर देना चाहिए, या उसके भीतर परमात्मा विद्यमान है। इज अ फंडामेंटल, मुख्य बात। फिर कहते हैं तेन त्यक्तेन, यह जो किया यही सच्चा त्याग है। बाहरी जगत हम देख रहे हैं वो त्याग नहीं, घर बार छोड़कर सन्यासी बन गए वो त्याग नहीं, डिसाइड कर लिया कि हम आज से चाय नहीं पिएंगे त्याग नहीं। श्री रामकृष्ण कहते थे, किसी ने कहा क्या कहा, उसने पान सिगरेट छोड़ दिया है। श्री रामकृष्ण कहते हैं अरे ये कोई त्याग होता है, कामनी कांचन का त्याग वो ठीक ठीक त्याग। तो यह कहा सच्चा त्याग क्या है, संसार की सभी वस्तुओं में संसार के भीतर परमात्मा को देखना, इन नाम रूपात्मक जगत को पूरी तरह भूल जाना, यह त्याग। तेन त्यक्तेन भुंजिता, अब भुंजिता शब्द के विभिन्न अर्थ हो गए। इस श्लोक का हम यदि विस्तार से अर्थ देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें जो व्यवहारिक पक्ष है, जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उसको विशेष रूप से हम देखने का प्रयत्न करेंगे। तो इसमें कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता, भोग करो, एक मीनिंग है भोग करो, और दूसरा है शंकराचार्य कहते हैं अपना पालन करो। कस्यचित् धनम, धन का लोभ न करो, मा गृधा, धन का लोभ मत करो, किसी का धन का लोभ मत करो। अरे धन किसका है, कस्यचित् धनम, अरे धन किसका है, मतलब धन तुम्हारा नहीं है, धन किसी का नहीं है, वो तो धन है ही नहीं, उसमें तो परमात्मा विद्यमान है, तब धन है किसका, किसी का नहीं है, इसलिए लोभ मत करो। तो यहां पर तीन बातें कही है, ईशावास्य निदम सर्वम, दूसरा त्याग, और लोभ न करना। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से देखने का प्रयत्न करें। शंकराचार्य क्या कहते हैं, इसका अर्थ हुआ इस जगत में चर अचर जो कुछ परिवर्तनशील है सबको ईश्वर से आच्छादन कर देना चाहिए। इस त्याग के द्वारा अपना पालन करो, किसी के भी धन का लोभ मत करो। इस संदर्भ में बड़ी सुंदर बातें हैं। श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का दृष्टांत। स्वामी विवेकानंद एक युवक थे, नरेंद्र नाम था, नरेंद्रनाथ दत्त, शुरू शुरू में श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते थे। एक दिन श्री रामकृष्ण ने कहा कि सब कुछ भगवान है, ये घटी बाटी, ये जो गिलास है, ये ढक्कन है, ये माइक है, ये टेबल है, ये सब भगवान। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा अपने कमरे में, नरेंद्र को बात समझ में नहीं आई तो बाहर चले गए, और बाहर बरामदे में हाजरा महाशय बैठे थे। हाजरा वहाँ मास्टर श्री रामकृष्ण के पास में रहा करते थे, अपना ध्यान जब भजन करते थे, साधक थे, और नरेंद्र की उनसे काफी दोस्ती थी।
उनके पास जाकर बात करने लगे, ये कैसी बात, ये माइक भी भगवान है और ये कुर्सी भी भगवान है, ये बेंच पर बैठे हैं वो भगवान है, ये लकड़ी भी भगवान है, ये कैसी बात है, तो हो ही नहीं सकता। और दोनों हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, कैसी बात ये है, यानी हंसी की बात है कि सब भगवान। श्री राम कृष्ण अंदर थे, वो आए, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, भाव समाधि में थे और उन्होंने नरेंद्र को स्पर्श कर दिया। स्पर्श का परिणाम क्या हुआ, नरेंद्र को सब जगह भगवान दिखने लगा, भगवान के सिवा और कुछ नहीं दिखता। वो सड़क, आदमी, पेड़, नदी, गंगा, घाट, सब भगवान। उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने अपनी जीवनी में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया। अब वो सोचने लगे, जरा देखो कितने समय तक ये रहता है। घर गए, वही भाव बना हुआ, जो खाना आया तो भगवान, मैं भगवान, माँ भगवान, जितनी जो भी वस्तु है वो भगवान के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। लगता है कि मैं भगवान हूं, खाना है जो भगवान है, भगवान भगवान में डाल रहा हूं। थोड़ा सा खाते फिर चुप हो जाते, बैठ जाते, कभी ज्यादा खा जाते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ ज्यादा खरा खाते खाते लेट जाते, सड़क पर चलने लग जाते तो बग्गी आ रही है, एक इक्का आ रहा है, घोड़ा गाड़ी आ रही है, तुमको लगता वो भी भगवान, वही भगवान है, मैं क्यों हटूं, हटने की इच्छा नहीं हो। रामकृष्ण यही देखते थे, उन्होंने डायरेक्टली डिमोन्स्ट्रेट कर दिया स्वामी विवेकानंद को स्पर्श के द्वारा, साक्षात अनुभूति करवा दी कि सब कुछ भगवान, ईशावास्य मिदम सर्वम। श्री रामकृष्ण कभी कभी कहते थे, मुझे लगता है जैसे सारे जगत के ऊपर एक भगवान की चादर पड़ी। कल्पना कीजिए कि हम लोग सब बैठे हुए हैं और चादर पड़ी है सबके ऊपर, वो कहते हैं ये पलटू के ऊपर भगवान की चादर, ये भगवान है, उसके पीछे भीतर से वो हाथ हिला रहा है। अब कल्पना कीजिए, एक चादर ले लीजिए आप, सादी चादर ले लीजिए, सबके ऊपर डाल दीजिए, तो दिखेगा क्या, चादर दिखेगी, तो सफेद चादर सब जगह दिखेगी। आपको मालूम है कि उसके पीछे एक पलटू है, एक भूमि है, एक कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, तो कहेंगे ये भूमि जो है वो अंदर से हाथ हिला रहे, लेकिन है क्या, दिखेगा क्या चादर। या फिर श्री रामकृष्ण एक और दृष्टांत देते थे, वो कहते थे मुझे लगता है जैसे सब कुछ मोम के बने हुए हैं, ये भी श्री रामकृष्ण कहते हैं सब कुछ मोम का बना, जितनी वस्तु है अगर मोम की बनी हुई तो अलग अलग प्रकार की दिखेंगी, लेकिन है तो मोम, यह ईशावास्य मिदम सर्वम। ये अद्भुत स्थिति, यह है पारमार्थिक सत्य, सबसे महत्वपूर्ण उच्चतम पारमार्थिक सत्य, उसको हमें अपने जीवन में उतारना है, उसको प्रैक्टिकल करना। अगर केवल ये सिद्धांत बता दिया जाए तो कुछ मतलब नहीं लगता, उस सिद्धांत को साधना के स्तर पर लाना है, उसको जीना। आगे पीछे चलते फिरते हम प्रोजेक्ट करें मानो, और स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर बहुत ब्यूटीफुल बात है, स्वामी विवेकानंद इसी सत्य का व्यावहारिक पक्ष बताते हुए कहते हैं, पुट गॉड बिहाइंड एवरीथिंग, People, animals, food, work, make this a habit. कैसी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि भगवान को सब वस्तुओं के पीछे रखो, सब जितनी वस्तुएं देखो उनको पीछे भगवान को देखो। People, मनुष्य, animals, जानवर, खाना,
कर्म, कुछ कैटेगरी बता दी है, कुछ बातें मतलब सब बातें, जितनी वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, खुद के पीछे, दूसरों के पीछे, जानवरों के पीछे, सर्वत्र भगवान विद्यमान है। पुट गॉड बिहाइंड एवरीथिंग, सबके पीछे भगवान को रखो, भगवान को। ये है फंडामेंटल व्यवहार प्रैक्टिकल, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना। अवश्य इस सिद्धांत में कई बार समस्याएं भी होती हैं, और वो यहां पर क्या कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृह तस्य स्थितम, उसका व्यवहारिक पक्ष बताया है। उस भाव से त्याग करो, बाहरी त्याग को महत्व नहीं दिया। मतलब क्या हुआ, मैं तो भगवान देख रहा हूं, और जो इसमें आगे जो आएगा उसने जो व्यास भुंजी था, तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसकी व्याख्या लोगों करते हुए कहते हैं, भुंजी था का अर्थ है भोग करो, तेन त्यक्तेन सह, तेन ईश्वरेन सह, ईश्वर को साथ रखकर निष्काम भाव से भोग करो, एक व्याख्या यह है। ये भ्रमित करने वाली व्याख्या, मतलब ये क्या, जो कुछ तुमको मिल जावे सब कुछ भगवान है, जो कुछ आपको मिल जावे उसका भोग करो, ईश्वर समझकर, सर्वत्र ईश्वर है इसका भाव को रखकर भोग, इसमें छल की संभावना। वहां पर दक्षिणेश्वर में एक साधक आए थे, कोई पंजाबी साधु आए थे, और उनका आचरण कुछ ठीक नहीं था, कुछ दुराचरण कर रहे थे। श्री राम कृष्ण एक दिन गए उनके पास, क्या बात है भाई, तुम वेदांत की बात करते हो, जगत मिथ्या बोलते हो, और फिर ऐसा कारण कार्य करते हो। तो क्या, हाँ हाँ बैठी बैठी मैं आपको समझा दूंगा। तो क्या कहा, जगत तो मिथ्या है, तो मेरा कार्य क्या सत्य हुआ, वो भी मिथ्या है, मैं भी ब्रह्म हूं, बाहर जो वस्तु भी ब्रह्म हूं, सब कुछ ब्रह्म है। श्री रामकृष्ण ने डांटते हुए कहा, साले मैं तेरे इस वेदांत पर थूकता हूं, ये वेदांत। तो जो दूसरी लाइन है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, शंकराचार्य ने उसकी व्याख्या बड़ी सुंदर रूप से कही है। वो कहते हैं, उस ध्यान के द्वारा अपना पालन करो, भोग नहीं पालन, यानी अपने आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति करना, उसी को कहते हैं पालन, अपनी रक्षा करो। इस सिद्धांत से कि सब कुछ ब्रह्म है, भगवान है, मैं भी भगवान हूं, इस भाव में प्रतिष्ठित हो जाओ, और इस प्रकार से अपने आप की पालन करो। किसको आच्छादन करना चाहिए, सबको, पृथ्वी पर जो कुछ भी परिवर्तनशील है उन सबको अपने आत्मा रूपी ईश से, अंतरात्मा के रूप से मैं ही सब कुछ हूं ऐसा जानकर, परमार्थ सत्य रूपी अपनी आत्मा के द्वारा इन समस्त मिथ्या चर अचर थावर जंगम को आवृत कर देना चाहिए। शंकराचार्य आगे जाकर ईश शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, ईश यानि ईश्वर, यानी इस धातु को उन्होंने आत्मा कहा, ईशा इत इति तेन इत तेन ईशा ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य। और ईशा कहते हैं ईशन करने वाला, तो जगत का सृष्टि स्थिति पालन करने वाला, इसको कहते हैं ईश्वर। तो वेदांत की दृष्टि से ईश्वर और ब्रह्म में अंतर है, ब्रह्म है वो जगत की सृष्टि स्थिति पालन नहीं करता, उसके बाद जो लोअर लेवल है उसमें वो जगत सृष्टि स्थिति पालन करने की उसमें ईश्वरीय शक्ति आ जाती। यहां पर इस शब्द का अर्थ है परमात्मा,
हमारी आत्मा सही सर्वम इस्ते सर्व जंतुनाम आत्मा सन प्रत्येक आत्मतया तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशावास्यम आच्छादनीयम। शंकराचार्य कहते हैं क्या है, ईशा रूप हुआ, ईशन का शब्द ईश का शब्द है जिसका अर्थ है ईश के द्वारा। परमात्मा ही सबका परम शासक है, वही सभी जंतुओं के भीतर अंतर्यामी रूप से रहकर सब पर शासन करता है। अपनी उसी अपने आत्मरूपी ईश से आच्छादितियां आवृत कर देना चाहिए। जो कुछ है, जो कुछ हम देखते हैं, वही परमात्मा है। मैंने अभी जो गाना गाया और पिछली बार जो गाना गाया था, जो कुछ है तो तू ही है, वो सबके भीतर क्या मलायक, क्या इंसान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबको तूने अब बनाया है, तो सबके भीतर विद्यमान है, ये बताए। तो यहाँ पर भी इसी को, और वह जो भीतर है वह मेरी आत्मा ही है, मैं और परमात्मा भिन्न नहीं है। शंकराचार्य इस बात को महत्व देते हैं। यथा जिसे जैसे चंदन अग्रो आदि में जल के संसर्ग से होने वाले सड़न आदि से उत्पन्न दुर्गंध उपाधि रूप है, जिसे घिसने से वह अपने पारमार्थिक सुगंध से आच्छादित होता है, वैसे ही अपनी आत्मा में आरोपित स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षण युक्त जगत के उपलक्षण है। जगत्याम का अर्थ हुआ नाम रूप क्रिया वाले विकार से उत्पन्न सभी पदार्थ इस परमार्थ रूप आत्मा की भावना से परित्यक्त हो जाते हैं। यानी वो कहते हैं कि हमारे ऊपर दृष्टांत दिया है कि चंदन की लकड़ी है लेकिन पड़ी हुई है, पड़ी हुई उसके ऊपर काई जम गई, अब क्या कहते हैं फंगस, अब क्या करेंगे उसको हम घिसेंगे तो वो दूर हो जाएगी, भीतर का सुगंध नहीं कर सकते। विचार के द्वारा हम, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं उपाधि रूप नहीं हूँ, मैं नाम रूप आत्मक नहीं हूँ, मैं शुद्ध परमात्मा हूँ, ऐसा विचार, इस विचार के द्वारा इस जगत में, जो संसार में जगत में परिवर्तनशील जितना है उसको हटा दें। विचार के द्वारा दो प्रकार की प्रक्रियाएं बताई, मैंने पिछली बार भी बताया था, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक प्रक्रिया विचार की है ज्ञान मार्ग, और दूसरा है प्रक्षिप्त करने की प्रक्रिया उपासना। अब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टिया उपासनम, हमारे सामने जो कुछ दिख रहा है, यहाँ पर अपने सेवाश्रम में रोगी है, हम उसको जाके क्या करेंगे, नारायण रूप से उसकी सेवा करेंगे। ये हो गया ईशावास्य, ईश्वर के द्वारा उसको आप आवृत करना है विचार के द्वारा। या फिर आप सड़क पर जा रहे हैं, या कुर्सी आपने देखी, मन ही मन सोचिए कि ये कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी नहीं है, ये भगवान। जैसा हमने स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन हुआ उसमें क्या देखा, वो घोड़ा गाड़ी देख रहे हैं, तांगा इक्का देख रहे हैं, और उसको वो उसको भगवान दिख रहा है, हमें नहीं दिखता तो क्या करता। शास्त्र में कहा गया है कि जो महापुरुषों के लक्षण होते हैं वे साधक के साधन होते हैं। श्री रामकृष्ण जो देखते थे, दर्शन करते थे, स्वामी विवेकानंद को जो दर्शन होते थे उनके लिए जो स्वाभाविक था, हमें उसे उसकी प्रैक्टिस करना, उसकी साधना करना। तो इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ, इस वाक्य का यह अर्थ हुआ कि हम जिस वस्तु को भी देखें उस पर भगवान को आरोपित करने का प्रयत्न करें। ईशावास्यम इदम सर्वम, यह जो जगत में परिवर्तनशील है, नाम रूपात्मक है, उसके ऊपर ईश्वर को आरोपित कीजिए, आवृत करना। वास्यम कपड़े से, ईश्वर रूपी कर्ते से, आत्मा रूपी कर्ते से ढक लीजिए। अब इसको विचार के द्वारा कर सकते हैं या फिर प्रक्षिप्त करके देख सकते हैं।
मैंने दृष्टांत दिया था, माँ बच्चे को कहती है कि बेटा वो तेरा दादा है, बस उसने मान लिया कि मेरा दादा है चाहे कोई भी हो। तो बच्चे को माँ कहती है कि बेटा वो भगवान है, वो मान ले तो भगवान। भगवान है बस, माँ ने कहा है भगवान। तीन प्रकार से, एक विश्वास के द्वारा कि शास्त्र में कहा है कि जो कहा है जो कुछ है वो भगवान है। अब इसके ऊपर निर्भर करता है कितना दृढ़ कर सकते हैं। दूसरा विचार के द्वारा, विचार करना, ये लकड़ी जो दिख रही है, टेबल दिख रही है, ये माइक दिख रहा है, ये भगवान है, इसमें सब में भगवान व्याप्त है। और तीसरा प्रोजेक्ट करना, थोड़े थोड़े अंतर है मन की प्रक्रिया का, थोड़ा सा अंतर। अगर कार जा रही है तो आप देखिए उसको और प्रोजेक्ट कीजिए, मानो कि वो भगवान है, वो लिविंग है, कॉन्शियस है, वो चैतन्य है, परमात्मा स्वरूप है। ये किसी विभिन्न प्रकार की साधनाएं हो सकती हैं इस प्रकार। ये इस श्लोक का मैंने अर्थ करने का प्रयत्न किया। अब आगे का जो बताया है वो तो खैर सेकेंडरी, उसका परिणाम क्या होगा, वह त्याग तेन त्यक्तेन, मतलब यह है कि फिर जगत जो है वो पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगी। नाम रूप रूपात्मक जगत जो है वो तो पूर्ण रूप से त्याग हो जाएगा, और यही सच्चा त्याग है, बाहरी त्याग नहीं। सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए लेकिन संसार ये जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, ये शरीर प्रतीत जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, मैं उसी प्रकार का व्यवहार कर रहा हूं, ऐसा। वो त्याग त्याग नहीं है, सच्चा त्याग सब कुछ सपने भगवान को देखना। तो बाकी जितनी चीजें हैं नाम रूप पूरी तरह सब पूरी तरह त्याग, उसके बाद केवल व्यवहार में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं महावत नारायण और हाथी नारायण दोनों नारायण तो हैं, लेकिन महावत नारायण की बात माननी चाहिए। लेकिन यह बात किसको कही गई, जो वो शिष्य था, जो ऐसा शिष्य था वो कि जो हाथी के सामने खड़े होने के लिए तैयार था। हम लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए व्यवहारिक वेदांत ले आते, ऐसा नहीं। जो गुरु ने कहा है कि हाथी में नारायण है तो उनके हाथी के सामने खड़े होने के लिए भी तैयार जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि बेटा महावत नारायण को भी दुख स्वीकार। तो तात्पर्य यह है कि इसी को हम त्याग कहेंगे। यहां इस श्लोक के अंदर इसका मंत्र के अनुसार है, यही है त्याग। और जो दूसरा अर्थ मैंने कहा उससे भोग करो, जो नाम रूपात्मक जगत को त्याग कर आत्मा का अनुभव करो, अलग अलग उसकी व्याख्या की गई है। भुंचिता को कहा है ईश्वर द्वारा प्रदत्त तेन, यानी ईश्वरेन प्रदत्त भोगों का भोग करो, शास्त्रानुसार जो कुछ मिले उसको आप ले लो, लेकिन मन आपका भगवान में लगा रहे। अगर ये हो तो ठीक है, यदिच्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ मिल जाए उसमें लगा रहो। अगर सचमुच उस त्याग पे है तो फिर भोग भोग नहीं होगा, फिर उसके लिए फिर वो मिठाई मिठाई नहीं लगेगी, आई आई खा लिया, नहीं खा लिया बस, नो चॉइस। ये भी अपने आप में एक मुख्य संस्कृति है, लेकिन उसमें छल की संभावना जैसा मैंने कहा वो कभी कभी हो सकती है। आसक्ति ही बंधन है, उसे त्याग कर भोग करो, जगत से चित्त हटाकर जो कुछ आपको मिल जावे उसका आप उपभोग करो। कस्यचित् धनम्, धन किसी का नहीं, मा गृध आकांक्षा मत करो।
माँ गृह लोभ मत करो, आकांक्षा मत करो कि मुझे ये मिलना चाहिए। धन किसी का नहीं, किसी के धन की आकांक्षा मत करो, ये दो अर्थ हो गए। धन किसी का नहीं है भाई, वो तो आता जाता रहता है, वो तो नदी में प्रवाह की तरह पैसा आता है और चला जाता है। लक्ष्मी जो है तो ये तरंग चपला है ना, लक्ष्मी तो ये तरंग चपला, लक्ष्मी जो है वो तरंग की तरह चपल है। धन समस्त भोग्य पदार्थ, धन का अर्थ यहाँ पर है समस्त भोग पदार्थ, कोई भी वस्तु स्थाई नहीं रहती। अज्ञानवश हम समझते हैं, अपनी समझते हैं, आता है चला जाता है। ईश्वर सर्वव्याप्त है, सब उसी का है। ये फंडामेंटल बोस एक श्लोक के अंदर समस्त व्यवहारिक जीवन भी बता दिया। ये बात परमार्थ बताया है और ये भी कहते हैं समस्त भोग पदार्थ दोनों को, भोजन का अर्थ है समस्त भोग पदार्थ, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं, किसी की नहीं, ज्ञानवश अपनी समझते हैं। धन है ही कहाँ, ये दूसरा अर्थ। सभी तो ईश्वर हैं, ईश्वर भावना से सब त्याग हो जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं इस मंत्र में समस्त प्राणियों की समानता और विश्व बंधुत्व का सिद्धांत नहीं। समानता क्योंकि सभी जगह भगवान है, धन किसी का नहीं है, सर्व बंधुत्व का भाव, ये दोनों बात यहाँ पर आ जाती। तो यहाँ पर इसको हम रोकते हैं, इसके आगे और जो चर्चा है वो अगली बार करेंगे। ये श्लोक के ऊपर मेरे पास तो अखंडानंद सरस्वती की, वैष्णवों की, कई प्रकार की, कई लोगों की व्याख्याएं मेरे पास लिख रखी हैं। व्यवहारिक दृष्टि से ईश्वर देखने का अर्थ क्या, इसकी चर्चा ठीक है अगली बार करेंगे। ईश्वर को देखने का अर्थ क्या, अभी मैंने कहा ना व्यवहार की दृष्टि से, मैंने एक तो प्रोजेक्शन की बात कही, विचार करने की बात, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका अर्थ क्या होगा, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।